भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में धौरहरा से सांसद रेखा अरुण वर्मा की लंबी छलांग लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से केंद्रीय पदाधिकारियों की जो घोषणा की गई है उनमें बनाए गए 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में सांसद रेखा वर्मा का भी नाम दर्ज हुआ है। यह खबर फैलते ही समर्थकों की ओर से बधाई देने का तांता शुरू हो गया है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी ही खबरें आई थीं कि धौरहरा से इस बार रेखा वर्मा का टिकट कट सकता है। उनके विरोधी उन्हें कम आंक रहे थे, लेकिन पार्टी ने जब एक बार उन पर फिर विश्वास जताया और वह भारी बहुमत से दोबारा सांसद चुनी गई तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई। अब आइए डाल लेते हैं एक नज़र रेखा अरुण वर्मा के राजनीतिक सफरनामे पर। पति अरुण वर्मा की मृत्यु के बाद राजनीतिक विरासत को संभालते हुए रेखा वर्मा ने 2014 में पहली बार धौरहरा से लोकसभा का चुनाव लड़कर कांग्रेस के दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को हराकर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी और पुनः 2019 में कांग्रेस के ही जितिन प्रसाद को पटकनी देकर अपनी मजबूत पकड़ का लोहा मनवाया। वैसे तो पसगवा की दो बार ब्लॉक प्रमुख रहकर रेखा वर्मा ने राजनीति का ककराहा पढ़ लिया था। 2013 में पति अरुण वर्मा की असामयिक मौत के बाद उनके अरमानों को ऐसे पंख लगाकर ऊंचाइयों तक पहुंची हैं कि शायद इतने कम समय में कोई पहुंचा हो। भाजपा की नव मनोनीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा वैसे तो लखीमपुर जनपद के ब्लॉक पसगवा ग्राम पंचायत मकसूदपुर की रहने वाली हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने की खुशी लखीमपुर जनपद के साथ ही सीतापुर में भी है। कारण श्रीमती वर्मा का संसदीय क्षेत्र धौरहरा दोनों जनपदों में पड़ता है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।